मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम दलों को, भारत के विपक्षी दलों को अगर एकजुट करने के लिए चल रहे हैं, यहाँ 7 पार्टी का गठबंधन है, जब इसी को आप नहीं एकजुट रख पा रहे हैं तो पूरे देश में कहाँ से कर पाए। तो है ना, अभी तो बोले हैं कि भाई बहुत पार्टी है जो मंत्रिमंडल में नहीं है लेकिन महागठबंधन में साथ है। उस समय तो आपको लगा होगा कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, अगर बात नहीं बनी तो फिर अलगाव की भी स्थिति आ सकती है। मंत्री से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे कि मंत्री बने और इसे काम करे, क्योंकि पार्टी में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सर, आप इस बात से इनकार करेंगे कि जीतन राम मांझी NDA के संपर्क में थे, प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर आपको हमने सुबह में दिखाई, किस प्रकार से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। आज की सबसे बड़ी खबर। कई दिनों से यह बातें चल रही थी, इसके पहले भी आपको हमने दिखाया था कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी हमारे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी के टिकारी से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हैं। इनसे भी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने इंटरव्यू लिया था, उस समय भी डॉक्टर अनिल कुमार ने इनकार किया था। लेकिन सर, आपने देखा जो हमने कहा वो बात हो गई? देखिए, 3-4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी विधायकों की बैठक हुई थी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई थी। माननीय विजय चौधरी जी भी थे, माननीय जीतन राम मांझी जी थे, संतोष जी थे, सब लोग थे। और उसमें बात उठ के आई थी कि छोटी पार्टी को चलाने से बेटर है कि बड़ी पार्टी सब मिल करके एक साथ काम करें और पार्टी को बेहतर रूप दें और अच्छा से कार्य। जो सब पुराने लोग आप लोग हैं, सब जनता पार्टी जनता दल के लोग हैं, एक ही जगह हम लोग बैठ करके काम करने का। और इस तरह का कोई नहीं आया था वहाँ पर, कुछ सीट का कितना सीट लड़ना है, इतना सीट देंगे, इस तरह कहीं कोई बात नहीं हुई थी। व्यक्तिगत जो हम लोगों का, विधायक लोगों का जो समस्या था, उस पर लंबा समय चौड़ विचार विमर्श हुआ था। कई को निष्पादित करने का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिए थे, वही सब संबंध में बात हुई थी। बाहर भी निकल कर मुख्यमंत्री जाए थे, तो मेरे समझ में सब बात नहीं था कि इतना जल्दी इस्तीफा देने की बात होगी। लेकिन सर, लगातार यह बातें हम कह रहे हैं, आप तो गवाह हैं कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, और कोई भी घटना एक दिन में नहीं होता है। यह भी कहा जाता है सर कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। हाँ, छोटी छोटी बातों को माननीय जितना मांझी जी बात को उठाते रहते थे, कभी शराब नीति के खिलाफ, कहीं दलितों के पर्चा देने के सवाल पर, कहीं अन्य सवालों पर, पदयात्रा क्रम में कहीं कुछ बोल दिए थे कि हमारे पुत्र मुख्यमंत्री के काबिल हैं। तो पार्टी में इस तरह की बात तो होती ही है, उसमें बहुत नाराज़गी की बात नहीं थी। लेकिन आज अचानक तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से आए थे, हम लोग पार्टी के लोग बैठकर सब लोग तय किए थे, उसमें सब लोगों का राय था कि पार्टी छोटी है लेकिन हम लोग बड़ी मेहनत से पार्टी के गठन किए हैं, इसलिए पार्टी को हम लोग विलय नहीं करें लेकिन महागठबंधन के साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ समर्थन में रहेंगे, यही बात बना था। लेकिन बीच में पता नहीं 3-4 दिनों में हम तो क्षेत्रीय इलाके में घूम रहे थे, अचानक आज TV के माध्यम से देखे, टेलीविज़न के माध्यम से माननीय जीतन आपको भी टेलीविज़न के माध्यम से खबर मिला? आज तो हमको कोई खबर नहीं थी, अचानक हम लोग देखे, असेंबली में गए हुए थे कमेटी की मीटिंग में, वहीं इस तरह के बात पता चला तो इस तरह का हुआ। लेकिन सर, 2 बार विजय चौधरी जी मिले, आप लोग पूरा टीम मांझी जी के साथ आप लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से मिले, उस समय तो आपको लगा होगा कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, अगर बात नहीं बनी तो फिर अलगाव की भी स्थिति आ सकती है? हाँ, मैंने इतना बढ़िया से बात हुआ था, वो माननीय जीतन राम मांझी जी लगातार बढ़िया से बात कर रहे थे अंदर में, और सबकी समस्या पर बात हो रही थी। और यह बात हुआ पार्टी का तो बता ही दे, पार्टी वाला लाइन पर हुआ था कि सब मिलके हम लोग एक साथ काम करें। लेकिन सर, आप लोगों को तो हमेशा से हल्के में लिया गया गठबंधन में, कभी मांझी जी की बात नहीं मानी गई, कई बार मांझी जी के बयान से सरकार की स्थिति असहज हो जाती थी। मांझी जी बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हमेशा जितना मांझी जी की बातों को गौर करते थे, सुनते थे, और जो काम था हम लोगों का समस्या, वो हम लोग उस पर समस्या पर विचार करते थे। ऐसी बात नहीं था कि इनका ये नहीं था, लेकिन वही पार्टी का समय, पार्टी का जो मसला था, उसी मसला से संबंधित ये बात आई है, जिसके कारण मर्जर का जो बात हुआ
और उसी से बात बढ़ा, इनको लगा होगा संतोष जी को कि भाई पार्टी हम चला रहे हैं तो, और इनके मन में एक बात हमेशा बोलते थे माननीय मंत्री संतोष जी कि भाई अब पार्टी हम लोगों को फैलाव करना है, पार्टी बड़ी होती जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बने हैं तो दो चीज़ नहीं चल सकता है। इसलिए मंत्री से बहुत ज़्यादा ये परेशान नहीं थे कि मंत्री बने और इस पर काम करें, क्योंकि पार्टी में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सर आप इस बात से इनकार करेंगे कि जीतन राम मांझी NDA के संपर्क में थे, प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में थे? अब ये बात तो हम लोग नहीं जानते थे, यानी बात होती थी, ये जानते थे कि कुछ सवाल पर कभी कभी मौका मिला, जैसे भारत रत्न दिलाने के लिए दशरथ बाबा के भारत रत्न मिले, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भारत रत्न मिले, और इस तरह से भारत रत्न के सवाल पर मिलने के लिए जाकर के वह माननीय गृह मंत्री जी से मिले थे। तो अब उसमें क्या बात होती थी ये तो कभी बात को बताए नहीं थे, बोले नहीं थे कि बात तो जाते गए भी थे तो कई डेलीगेशन के साथ थे और वह भारत रत्न के सवाल पर मिले थे। अब उसमें अब हमको नहीं जानकारी है कि उनको पहले भी NDA से कोई बात होती थी। अब 23 तारीख की बैठक के पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। एक और सवाल सर ये है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम दलों को, भारत के विपक्षी दलों को अगर एकजुट करने के लिए चल रहे हैं, यहाँ 7 पार्टी का गठबंधन है, जब इसी को आप नहीं एकजुट रख पा रहे हैं तो पूरे देश में कहाँ से कर पाएंगे? ना ये तो अब अलग बात है कि एकजुट होना, अभी तो वहाँ गठबंधन माननीय मांझी जी है, ये कब तक है? अभी तो है ना, अभी तो बोले हैं कि भाई बहुत पार्टी है जो मंत्रिमंडल में नहीं है लेकिन महागठबंधन में साथ है, सब मिल के चला रहे हैं, महागठबंधन में सब मिल के कर रहे हैं। इसलिए अभी तो इस तरह कहीं कोई बात नहीं आई है कि हम लोग महागठबंधन छोड़ के NDA में जा रहे हैं। NDA में जाने का अभी कोई तिथि नहीं है? ना कोई तिथि इस पर कोई विचार नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की बातें ऐसे लग नहीं रही थी पहले से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांझी जी की बातों को लगातार गंभीरता से सुनते आए हैं, इनको भी आज समाचार पत्रों, इनको भी आज जो है वो प्रेस के माध्यम से ही खबर मिली। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष मांझी ने इस्तीफा तो दिया है लेकिन यह लोग अभी महागठबंधन में बने हुए हैं, अभी भी डॉक्टर अनिल कुमार NDA में जाने की बात से इनकार कर रहे हैं। ये कब तक महागठबंधन में बने रहते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।